अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी दिनों बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज अ बिट बिजी दीज डेज। पहले तो बकरीद और बकरीद के वक्त से ही हम लोग ने शिफ्टिंग स्टार्ट की, और जो आप लोगों में से जो लोग रेंटेड अपार्टमेंट्स में आउटसाइड द कंट्री रहते हो या फिर इंडिया में ही अपने होम कंट्री में आप लोग जब रूम शिफ्टिंग करते हो या घर का काम निकालते हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हाल होता है। और काफ़ी दिन हमारे इसी बिजी बिजी डेज में चले जाते हैं। तो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी एक्चुअली हमारे प्रीवियस वाले घर पे, तो मैंने बट वॉइस ओवर करने में मुझे काफ़ी दिन लग गए, वक्त नहीं मिल रहा था मुझे सुकून वाला कि मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, थोड़े से आज फ्री हुई हूँ। तो ये थोड़ा सा इवनिंग रूटीन था हमारा, जहाँ पे जैद जो है वो उसका ट्यूशन्स ले रहा है, तो उसको अलग से रूम में बिठा के हमदान और आदिल को मैंने सेकंड रूम में बिठाया, जहाँ पे हमदान को मैंने पज़ल्स दे दिए। तो ये पज़ल्स जब करता है ना तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो पहले मैंने क्या किया, उसको सिंगल सिंगल बोर्ड पज़ल्स दिए, तो वो जब सिंगल सिंगल बोर्ड पज़ल्स करके ही वॉज डन, देन आई हैव गिवन हिम ऑल टुगेदर। लाइक आप देख सकते हो 5-6 बोर्ड्स मैंने उसको सारे दे दिए एक साथ में, बिकॉज नाउ ही इज़ ओके विद डूइंग सिंगल पजल्स एट अ टाइम बिकॉज फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो आप ये वाला क्लिप देख रहे हो तो ये मैंने पहले उसको ऐसे ही दिए थे, सारे मिक्स्ड आर्टिकल्स दे दिए उसको एंड सिंगल बोर्ड्स आई यूज टू गिव हिम। सो स्लोली स्लोली ही जस्ट स्टार्टेड डूइंग द पजलिंग एंड देन ही इज़ द वन, ही इज़ विद हिज टॉयज। इसको मैंने सिर्फ टॉयज़ दिए हैं ताकि ये अपने टॉयज़ के साथ खेले एंड ही इफ़ यू वॉन्ट्स टू। और ऐसे ऐसे होता है ना कि जब बच्चे टॉयज़ भी लेके खेल रहे होते हैं ना, दे आर ऑल्सो बिल्डिंग मैनी सेंसरी स्किल्स। सो बेटर आप उनको फ्री प्ले दो, टॉयज़ दो, इसका तो फ्री प्ले टाइम ही है बिल्कुल ये वाला। सो दोज बोथ आर डूइंग द हमदान इज़ प्लेइंग एज वेल एज लर्निंग लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो इफ़ यू जस्ट ट्राई विथ योर किड्स, इफ़ यू हैवेंट येट विथ योर टॉडलर्स, विथ योर प्री स्कूलर्स, गिव दैम पजल्स, दे आर गोइंग टू इन्जॉय अ लॉट, दे आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दोज एंड दे आर गोइंग टू लर्न मैनी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। नाउ व्हेन ऑल द किड्स आर बिजी, आई थॉट कि चलो अभी किचन में जाओ, जल्द से अपना किचन का रूटीन कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैं नॉर्मली यही करती हूँ कि जब बच्चों को पहले बिजी कर लेती हूँ ताकि मुझे किचन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, स्पेशली हमदान और आदिल को। तो आज कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था, मुझे दाल राइस था और उसके साथ में मैं कलेजी और एक चटनी प्लान कर रही थी, तो सोची चलो रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, ये मेरा इवनिंग रूटीन ही शेयर कर लेती हूँ। सो ये कलेजी को वॉश कर लिया था, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और पिंच ऑफ रेड चिली। नॉर्मली मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, वैसे मैं सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट और ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालती हूँ, बट आज दाल चावल के साथ कंबाइन कर रही थी सो आई थॉट ओके लिटिल बिट डिफरेंट वे आई विल मेक। सो अब दोनों ही रेसिपी ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है एंड इट इज़ जैगरी पाउडर। आई डिडंट हैड जैगरी, आई हैड जैगरी पाउडर विच आई यूज फॉर पंजीरी एंड इट वॉज लेफ्ट आउट, सो आई थॉट ऑफ यूजिंग द सेम। यू कैन यूज़ द नॉर्मल लिक्विड जैगरी, जो स्टोन टाइप जो कड़क जैसी आती है उसको आप कट कर सकते हो, जो एक क्रीमी फॉर्म में आती है वैसे डाल सकते हो, अपने स्वीटनेस और ये अपने हिसाब से आप उसका क्वांटिटी ले सकते हो। और ये है इमली, इमली को भिगो के रख दिया था और उसके जो सीड्स को निकाल के जो उसका जो पल्प है उसको डाल दी, गार्लिक एंड कश्मीरी रेड चिली, एज वी आर हैविंग चिली इज़ वेरी लेस सो वी डोंट यूज़ द नॉर्मल रेड चिली, ऑलवेज वी यूज़ कश्मीरी रेड चिलीज एंड ब्लेंड एवरीथिंग ऑल टुगेदर, दैट्स इट, योर चटनी इज़ रेडी। एंड व्हेन द किड्स विल बी डन विद देयर प्ले दे विल बी हंग्री अगेन, ओके। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग सम स्नैक्स फॉर देम। तो मखाने, अगर आप लोगों को पता है कि मखाने क्या होते हैं, आई विल जस्ट चेक व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश ऑल्सो, आई डोंट नो राइट नाउ, आई विल चेक एंड पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मखाने मैंने पहले से रोस्ट करके रखे हुए थे, हाफ रोस्ट किए थे, लाइक फुली रोस्ट नहीं किए थे, थोड़े थोड़े से रोस्ट करके रखे हुए थे ताकि वो ख़राब भी ना हो उससे और काफ़ी दिन चले भी, और इनकेस मुझे बनाना हो तो जल्द से बन जाए। और ये मैंने इसमें ना थोड़ा सा ऑयल या घी आप ले लो, आई प्रेफर घी फॉर किड्स। उसमें राई डाल दिया और मैंने उसमें कड़ी पत्ता, उसमें मैंने डाला था हल्दी, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड ग्रीन चिलीज टू बट आई डोंट प्रीफर एडिंग इट व्हेन आई एम मेकिंग इट फॉर किड्स। और ये थोड़े से रोस्टेड मखाने उसको डाल के उसको बस हिलाना है, दैट्स इट। आप घी ज़्यादा भी डाल सकते हो, इट विल अब्सॉर्ब
it will be absorbed very nicely. So that's it. It's very easy, it's healthy, it's good. Your kids won't ask for chips to avoid. और ये मैंने आदिल के लिए खिचड़ी दाल के लिए एक्चुअली फाइन पाउडर बनाने के लिए रेडी की थी. अगर आप लोगों ने मेरी मील प्रिपरेशन वीडियो देखी तो आपको पता है कि मैंने तब भी मेंशन की थी कि मैं ऐसे प्रॉपर ओनली थर्सडे को ही मील प्रिपेयर करती हूँ, ऐसे नहीं है. आई विल गो फॉर इट, बट इन बिटवीन द वीकेंड इफ वीक डेज इफ आई हैव सम लेस वर्क एंड I'll just think about, okay, चलो आज काम कम है किचन में तो I can do anything else. So I'll prepare some more things and I'll be ready for the next week, upcoming week of 15 days. So मैंने ये मूंग की दाल जो होती है उसको भिगो दी थी. भिगो के मैंने उसको टिश्यू पे डाल के रख दी थी ताकि उसका जो एक्स्ट्रा वाटर सूख जाए. लेटर आई एम जस्ट ड्रेनिंग आउट द whatever little bit sogginess of it. और मैंने उसको ब्लेंड कर ग्राइंड करके उसको स्टोर कर दिया था. ओके, तो अब मैं एक और ग्रेवी बना के रेडी रख रही हूँ. इट्स लाइक आई हैव जस्ट पुट ऑनियंस, उसमें मैंने डाल दिया जिंजर, गार्लिक कट किया हुआ, ग्रीन चिली और टोमेटोज. प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड साउंड, आदिल इज़ प्लेइंग नियर बाई मी. ओके, तो ये एक है ना, आप लोग बोल सकते हो मल्टी क्यूजिन ग्रेवी. इस ग्रेवी को आप काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो. जैसे अगर आपको नवरत्न कोमा बनाना है, आपको ये बनाना है, क्या कहते हैं, बटर चिकन बनाना है, कोई भी अच्छी सी चिकन की ग्रेवी बना लो, जो भी है. व्हेन आई यूज़ टू वर्क, आई यूज़ टू गो फॉर वर्क, नाउ इट इज़ आई एम ऑन लीव, बट व्हेन आई यूज़ टू गो फॉर वर्किंग एंड इट वॉज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी. मैंने बस इसको सारों को सौते कर दिया. अब मैं इसको ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना के इसको मैं रख लूँगी. ओके, अब मुझे जब भी कोई बनाना है, लाइक मुझे कोई चिकन ग्रेवी बनानी है, मुझे इवन मुझे अगर वेजीज बनानी है, अगर आप नॉर्मल वेजीज बना बना के बोर हो गए हो, जस्ट ट्राई इट, इट कम्स आउट वेरी रियली ऑसम. इफ यू वॉन्ट आई विल बी शेयरिंग दी रेसिपीज विथ यू व्हेन आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्टफ. तो ये मैं इसको ऐसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूंगी एंड मेरा किचन सारा मेस हुआ हुआ है, आपको क्लिप्स में यहाँ वहाँ दिखेगा. और वो पीछे आप देख सकते हो मैंने कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट्स को फ्राई करके रख दिया है. दैट इज़ फॉर टुमारो, लाइक फॉर द नेक्स्ट डे आई वॉज प्रिपेयरिंग. तो ये मैं रेडी करके ऐसी करती हूँ, उसको रख देती हूँ. तो उसमें क्या होता है ना कि आपको जब भी बनानी हो तो यू कैन ईजीली डू इट. एंड हियर आई एम रेडी विद दैट कलेजी विटा विच आई हैव मैरिनेटेड इट बिफोर. मैंने अब ऑयल को हीट अप कर दिया, बस इसमें डाल दिया है कलेजी. दैट्स इट, दिस इज़ द ओनली रेसिपी यू आर गोइंग टू फॉलो. इसको सौते करना, उसको उतना सौते करना कि आप जब इसको प्रेस करो ना तो अब अगर आप लोग बनाते हो ये ना ये कलेजी नॉर्मली तो आपको पता होगा कि इट विल ब्लीड. ओके, तो अगर आप इसको प्रेस करो और उसमें से थोड़ा सा भी वाटर या कुछ ना निकले, थोड़ा सा भी रेडनेस कुछ ना हो, तो दैट्स इट, वो बन चुकी है. यू डोंट नीड टू सौते 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 एंड मेक इट वेरी हार्ड. यू हैव टू जस्ट सौते अंटिल इट इज़ वेल कुक्ड. दैट्स इट. ट्राई दिस रेसिपी, इट कम्स आउट वेरी सॉफ्ट एंड विद दैट टैमरिंड एंड जैगरी चटनी इट कम्स आउट रियली टेस्टी. If you are eating this thing, like many of the people, they don't eat this kidneys and all. अगर आप लोग इसको खाते हो तो आप इस वे में बना के देखना, मुझसे ज़रूर शेयर करना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी. ओके, तो ये थी मेरी इवनिंग रूटीन जहाँ पे मेरे बच्चे बिजी है अपने अपने कामों में और मैं जल्दी से किचन में आई एंड विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम आई जस्ट ट्राइड आउट टू डू ऑल दिस स्टफ. Really, you might feel that really it is done in a day, and that's true. It has done in a day within 2 hours or 2.5 hours. Most probably, I think 2 hours I spent in the kitchen. That's it. That also I'm saying more while in between cleaning up the stuff and everything. If you work on, you know, with the meal preparing and all those things, you will slowly, gradually be quicker in kitchen.
Just try this out and let me know if it helps you and if you need more suggestions or more this type of videos. और आप किस तरीके से अपना किचन का काम हैंडल करते हो विद किड्स, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि इट्स गुड टू शेयर. करेक्ट, सी यू कैन सी फ्रॉम दिस थिंग्स लिटिल बिट ब्लड इज कमिंग आउट. जब ये टोटली आना बंद हो जाए ना, इट मीन्स डैट योर थिंग इज डन. डोंट कवर इन कुक, ऑलवेज कीप इट ओपन एंड कुक. Okay friends, so that's it for today. My Adil is pulling me, he's saying mama bas ho gaya, voice over nahi karo. Waise hi main kafi dino ke baad kar rahi hu. Okay friends, just take care, hope we'll meet soon, and please please please, if you have not subscribed yet, subscribe to my channel and click on the notification bell icon. Inshallah I'll be uploading some videos very soon of my new home. I'll try to do it, and if I'm doing it, you will get the notification if you do so. Thank you so much. Bye. Take care.